हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2016 का जो आपका पेपर हुआ था और 2018 का जो जीके का पेपर 1 हुआ था, तो कितने प्रश्न आपके किस विषय से पूछे गए हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग सके जिस भी विषय के जो है आप तैयारी कम कर पा रहे हैं, या फिर जिसमें आप बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, यदि उसमें से क्वेश्चन अधिक पूछे गए हैं तो उस पर आप अधिक ध्यान दे पाओ। ठीक है, और सभी बात करेंगे, हम सभी विषयों की बात करेंगे कि 2016 में कितने क्वेश्चन आए हैं इस सब्जेक्ट से और 2018 में कितने क्वेश्चन आए हैं। और इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर थोड़ी सी जो है एक जरूरी सूचना देख लीजिए कि नवमी और दशहरा ऑफर पर 60% की छूट सभी कोर्सेज पर मिल रही है, और ये केवल आपको 2 दिन तक ही मिलेगी, 4 और 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो 60% की छूट मिलेगी हर कोर्स पर जो भी अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी और आरबीएसई पर आधारित पाठ्यक्रम होगा। व्हाट्सअप नंबर है ये 7597037535। इस पर आप मैसेज करके कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स जो है वो कितने प्राइस में है और 60% छूट पर आपको कितने का मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, 2 ग्रुप में आपका पेपर हुआ था। ए ग्रुप में 26 अप्रैल को हुआ था और बी ग्रुप जो है 1 मई को लिया गया था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि राजस्थान का जो पूरा जीके है, राजस्थान का इतिहास, इसमें से आपके 12 क्वेश्चन आए 26 अप्रैल को और 12 ही क्वेश्चन जो है 1 मई को पूछे गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे गए? 12 क्वेश्चन, यानी कि 24 मार्क्स। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करूं तो 26 अप्रैल को 13 प्रश्न पूछे गए और 1 मई को भी 13 क्वेश्चन आए हैं। यहां पर देखिए, बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, ताकि आप ये देख कर जो है वो अपनी तैयारी और भी अच्छे कर पाओ। राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसमें से 18 क्वेश्चन 26 अप्रैल 2017 को पूछे गए और 1 मई जो दूसरे ग्रुप में हुआ पेपर उसमें 17 क्वेश्चन आए। पॉलिटी ये भी राजस्थान की है, तो इसमें से आपके जो है 11 प्रश्न पूछे गए 26 अप्रैल को और 10 पूछे गए 1 मई को। अब हमने देख लिया कि इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान केवल राजस्थान का कुल कितने प्रश्न आए हैं 26 अप्रैल को। ठीक है, अगर हम इनको जो है काउंट करते हैं तो लगभग जो है, लगभग नहीं बिल्कुल 54 जो है क्वेश्चन आपके आए हैं। 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे आपके पेपर में और 100 में से 54 प्रश्न तो आपके राजस्थान के जीके के ही हैं। अब आप इस चीज़ को जो है समझ गए होंगे कि राजस्थान जीके जो मैं बार बार बोलती हूँ आपसे, तो बिल्कुल सही बोलती हूँ कि इस पर ध्यान आप दें। यहाँ पर जो बच्चा वीक होगा तो वो दौड़ से पीछे हो ही जाएगा। 1 मई 2017 की अगर बात करूं तो राजस्थान जीके के कितने प्रश्न हैं, बहुत ही सोच समझ कर ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूं, ताकि आपको ये चीज़ पता लग सके और आप तैयारी अच्छे से कर सको, तो 52 प्रश्न आए हैं, यानी लगभग आपके 52 से लेकर 54 प्रश्न तो राजस्थान जीके के ही पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए ना, तो आप हिस्ट्री जो है उसको छोड़ सकते हो राजस्थान की, ना आर्ट एंड कल्चर छोड़ सकते हो, ना ही ज्योग्राफी छोड़ सकते हो, ना ही पॉलिटी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड का तो कोर्स कंप्लीट ही हो गया है, 2 ही टॉपिक बाकी हैं, तो आप तो तैयारी कर ही रहे हो और भी अच्छे तरीके से करो इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद देखिए, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल की अगर बात करूं तो 6 प्रश्न आए हैं 26 अप्रैल 2017 को और 6 ही प्रश्न 1 मई 2017 को आए हैं। वर्ल्ड की ज्योग्राफी जो है उसमें केवल 4 प्रश्न आए हैं और जो ग्रुप बी था उसमें 5 प्रश्न आए हैं। ऐसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 2 दिन डिसाइड होते हैं एग्ज़ाम के, तो कुछ बच्चों का जो है 26 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ, कुछ का 1 मई को हुआ राजस्थान जीके का। ठीक है, और जो सेकंड पेपर होता है वह भी अगले डे को ही होता है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि एक ही दिन होंगे दोनों पेपर, दोनों दिन नहीं हुए हैं अब तक, तो नहीं हुए हैं। ठीक है, उसके बाद भारत की जो पॉलिटी है, इतने अच्छे तरीके से पॉलिटी मैंने आपको समझाई है कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आप सेकंड ग्रेड का भी दोगे, फर्स्ट ग्रेड का भी आप देने ही वाले हो। ठीक है, और थर्ड ग्रेड में भी आपको यही पॉलिटी काम आएगी, वही आपके जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वही पढ़ाया जाएगा, वही संविधान के बारे में स्टार्टिंग से लेकर संविधान कैसे उसका निर्माण हुआ ये आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ 5 प्रश्न जो है वो पॉलिटी के पूछे गए हैं और 7 प्रश्न यहाँ पूछे गए 1 मई 2017 को। इकोनॉमी की अगर बात करूँ तो ये भी मैंने आपको बता दिया, कुल 2 ही टॉपिक थे आपके भारत की अर्थव्यवस्था से सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 में।
ठीक है, तो दो टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे, और इसमें से केवल एक ही प्रश्न आया 26 अप्रैल को, और 1 मई को तो एक भी प्रश्न नहीं आया। करंट अफेयर की बात करूं अगर मैं, तो करंट अफेयर में बच्चे स्टार्टिंग से जो है अगर इस पर समय दे देंगे और बाकी चीज़ों पर नहीं देंगे तो गलत होगा। ये अंतिम समय के लिए आप रखिए, क्योंकि करंट अफेयर इसकी तो कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं होती है, और हमें केवल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए ही उतना ही पढ़ना होगा, ठीक है। योजनाओं से संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन तो वहीं से पूछे जाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि करंट अफेयर कोई भी आप एग्जाम दो, लास्ट में पढ़ो, ठीक है। लास्ट के जो दिन होते हैं उनमें आप करंट अफेयर को तैयार करो। तो यहां पर, और वो भी कितने, 6 मंथ का जो एग्जाम होगा आपका, उससे पहले 6 मंथ जो है तब तक का करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 10 प्रश्न जो है वो आपके 26 अप्रैल को पूछे गए, और लगभग 10 प्रश्न जो है वो आपके 1 मई को पूछे गए। लगभग क्यों बोला मैंने, क्योंकि करंट अफेयर का जो है, कभी ऐसा लगता है कि इकोनॉमी जो है उसमें से यदि एक क्वेश्चन पूछा गया है तो ये करंट अफेयर का भी भाग होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। साइकोलॉजी में देखिए 19-20, 19-20 इस तरीके से ही प्रश्न आते हैं, तो 20 प्रश्न जो है 26 अप्रैल को पूछे गए, 1 मई 2017 को पूछे गए 20 प्रश्न। तो ये पूरा आकलन जो है वो अच्छे तरीके से करके, और मैंने आपके सामने ये रखा है ताकि आपको ये पता लग सके। 54 प्रश्न राजस्थान जीके के पूछे गए 26 अप्रैल 2017 को, और 52 तो पूछे गए 1 मई 2017 को, ठीक है। तो ये ग्रुप ए वालों ने पेपर दिया था, ये ग्रुप बी वालों ने पेपर दिया था, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे 2018 का पेपर, 2018 का पेपर, ये भी आपके दो पारियों में ही लिया गया था, ये था ग्रुप ए और ये था ग्रुप बी। तो यहां पर भी देखिए राजस्थान को इतिहास जो है इसमें 12 प्रश्न पूछे गए, और जो 31 अक्टूबर को हुआ पेपर तो इसमें केवल 7 प्रश्न आए। कला और संस्कृति की अगर राजस्थान की बात करें, 9 प्रश्न पूछे गए 28 अक्टूबर को, और 13 को, 13 पूछे गए 31 अक्टूबर को। ज्योग्राफी जो है वो 12 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ, उसके बाद 11 क्वेश्चन पूछे गए। राजनीति विज्ञान जो है राजस्थान की, 5 क्वेश्चन पूछे गए, और यहाँ पर पूछे गए 7 प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं काउंट करके आपको बताऊँ तो कितना होगा यहाँ पर, यानी लगभग जो है वो 37-38 प्रश्न जो है वो आपके यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। और 100 में से है ये, आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कितने प्रश्न पूछे गए, यहाँ पर भी 38 के लगभग क्वेश्चन पूछे गए। आप इनको जो है वो जोड़कर देखिएगा, 38 के लगभग ही आएगा। भारत का भूगोल की बात करें तो 5 प्रश्न आ गए यहाँ पर, यहाँ पर 7 प्रश्न पूछे गए। वर्ल्ड की ज्योग्राफी जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए, और यहाँ पर 3 पूछे गए, ठीक है। भारत का जो इतिहास है उसमें तो आप जो राष्ट्रीय आंदोलन जो है, बस एक यही टॉपिक आपके दिया हुआ है, यही वाला टॉपिक दिया हुआ है इंडियन हिस्ट्री का आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, सिलेबस में। तो वहां से तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसे जो है वो भारत की पॉलिटी, यदि यहां पर हम देखें तो 19 क्वेश्चन में से अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन हो सकता है राष्ट्रीय आंदोलन का ही इसमें रहा है, ठीक है। भारत की राजनीति, या फिर यहाँ पर एक ही टॉपिक था हिस्ट्री का, राष्ट्रीय आंदोलन का, क्योंकि और हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री जो है और मध्यकालीन जो भारत है उसमें से कोई भी प्रश्न इसलिए नहीं आया क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। भारत की राजनीति इसमें से आपके कितने प्रश्न आए हैं, देखो यहाँ पर 19 प्रश्न पूछे गए हैं। अब की बार जो है यहाँ कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 19, और उसके बाद 31 अक्टूबर को 17 पूछे गए हैं। इकोनॉमी की अगर बात करें तो 2016 में तो केवल एक प्रश्न पूछा गया था एक ग्रुप में, और दूसरे में तो पूछा ही नहीं गया था। यहाँ पर देखो 3 प्रश्न पूछे गए हैं, और हो सकता है इसमें से एक प्रश्न जो है करंट अफेयर से ही मिलता जुलता हो, ठीक है। 5 प्रश्न जो है वो 31 अक्टूबर को पूछे गए हैं, और करंट अफेयर में देखिए 11 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, और 31 अक्टूबर को 10 प्रश्न पूछे गए हैं। साइकोलॉजी में जो है लगभग 19-20, 19-20 जो है मार्क्स पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा यही चीज़ है आपको कहने की, कि यदि आप साइकोलॉजी जो है इसमें आप जो है सोच रहे हैं कि इसको तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर 20 प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि 40 मार्क्स, ठीक है, 200 में से 40 मार्क्स यहाँ पर भी अधिक हैं। और राजस्थान का जीके की अगर बात करें तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन, इसका डबल कर लेंगे तो उतने मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे,
ठीक है, तो इससे जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है और कम मार्क्स का है तो उस पर आप हो सके थोड़ा सा कम ध्यान दें, लेकिन जिन जिनमें ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जैसे राजस्थान के जीके में ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, साइकोलॉजी में जितने प्रश्न पूछे जाने हैं उतने पूछे ही जा रहे हैं, तो इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको समझ में आई होगी। दोनों ही क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपको बता दिया, दोनों ग्रुप के बारे में बता दिया कि आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से दो पारियों में जो है वो पेपर लिया जाएगा। ठीक है, और सेकंड पेपर वो भी जो है कुछ ही दिनों बाद जो है वो ले लिया जाता है, हो सकता है उसके नेक्स्ट डे ही ले लिया जाए या कुछ गैप किया जाए, ये तो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि जो बच्चे सेकंड ग्रेड का कोर्स लेना चाहते हैं जीके पेपर 1 का और थर्ड ग्रेड लेवल 1 लेवल 2 का, तो सभी कोर्सेज पर 60% की छूट आपको मिलेगी और ये केवल 2 दिन को ही मिलेगी, 4 और 5 अक्टूबर को। ठीक है, और ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7597037535, तो इस पर आप जो है मैसेज करके इनके बारे में जो है वो अच्छे से पूछ सकते हो, विस्तार में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।